हेलो मेरे दोस्तियां, कैसी हैं आप सब। नमस्ते भैर थम समझते दोस्तों। जब मैंने M87 स्किन रिटर्न वाला वीडियो डाला था अपने चैनल पे, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नीचे कमेंट किया, भाई हमें M1014 इनक्यूबेटर का रिटर्न डेट बता दो। आपने कहा और ये लीजिए वीडियो आ गया आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंफर्म डेट बताने वाला हूं, जिस डेट के ऊपर आप सभी लोगों को M1014 का जो इनक्यूबेटर है वो रिटर्न में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ साथ इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को टूनेट अपडेट भी आज का देने वाला हूं, तो वीडियो के यार कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जल्दी से जल्दी इस वाले वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को भी ऑल पे डाल देना। और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगोबेट के बारे में। यहाँ आपको फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य कई स्पोर्ट्स मिलेंगे और हाँ लाइव प्लेयर्स और कार्ड गेम्स भी मिलेंगे जहाँ से आप लाखों कमा सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट है सिर्फ 200 रुपीस और विड्रॉल कभी भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा, यानी कि 500 रुपीस डिपॉजिट पे 500 रुपीस बोनस मिलेगा। यहाँ पर आपको इवेंट स्टोर वैल्यू मिलता है 500 रुपीस का और 2000 रुपीस तक का गिवे भी होता है। आप यहाँ पे लाइव गेम्स भी देख सकते हो, डेली टास्क कर सकते हो। सपोर्ट टीम यहाँ 24 घंटे एक्टिव रहती है और हाँ इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जल्दी से डाउनलोड करिए। तो दोस्तों हमारे गेम के अंदर आ चुका है असैसिन्स क्रीड का इवेंट, जिसके बारे में सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करना चाहेंगे। बेसिकली इसके चलते हमारे गेम के अंदर एक न्यू फीचर ऐड हुआ है। ये पीछे ट्रॉली में भूसा रखा गया है काफी सारे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो साइड वाला टावर है इस टावर का पूरा ऊपर तक मैं चढ़ जाऊंगा, मतलब जितना ऊपर तक जा सकता हूँ उतना ज्यादा ऊपर तक पहुँच जाने के बाद हमारे सामने निकल के आ जाता है एक जंप वाला ऑप्शन, जो कि आगे पहले से गेम के अंदर नहीं था लेकिन अभी अभी वो गेम के अंदर ऐड हुआ है। राइट साइड में आप लोग देख ही सकते हो ये जंप वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसको दबाने के बाद बंदा आपका कुछ इस प्रकार का कूदेगा और भूसे के अंदर जाके गिरेगा। नॉर्मली अगर आप लोग इतना ऊपर से नीचे तक गिरते तो आपको ही पता है आपके साथ क्या होता है यार, HP बहुत ज्यादा गिर जाता है और हो सकता है कोई कोई बंदा पूरी तरीके से भी डाउन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे भूसा रखा गया था नीचे और मैंने भूसा के ऊपर ही जंप मारा तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, एक भी HP मेरा कम नहीं हुआ। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, भाई हमारे फोन में फ्री फायर ओपन ही नहीं हो रहा है, चाहे आप जियो सिम की बात कर लो एयरटेल सिम की बात कर लो। लेकिन आज दिन में मेरे को फ्री फायर मैक्स के ऊपर एक बहुत बढ़िया 8 MB का अपडेट देखने के लिए मिला है। सॉरी ये 9 MB का अपडेट है, 9.42 MB का। एनीवेज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके फोन में भी ये वाला अपडेट आया है या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही ये वाला अपडेट आया है, कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला अपडेट असैसिन्स क्रीड का अपडेट है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों का नेटवर्क इशू भी इस अपडेट के बाद सॉल्व हो जाए। जिन लोगों के फोन में नेटवर्क इशू आ रहा था या अपडेट हो जाने के बाद कि आपके फोन में नेटवर्क इशू जो आ रहा था वो सॉल्व हो गया या फिर सॉल्व नहीं हुआ, वैसे ही गेम ओपन नहीं हो रहा है आपका, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हो रहा है तो कल वाले वीडियो के अंदर उसका हम लोग कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लेके आएंगे। अभी के लिए हम लोग लेकिन इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे। बहुत बार हमारे फ्री फायर के अंदर हम लोग को इमोट पार्टी इवेंट देखने के लिए मिला है, कभी कभी कलेक्शन पार्टी इवेंट भी आता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा कलेक्शन पार्टी इवेंट दिखाऊंगा, इतना बढ़िया कलेक्शन पार्टी इवेंट दिखाऊंगा किसी ने देखी नहीं होगी। क्योंकि इस वाले कलेक्शन पार्टी इवेंट के अंदर आप लोगों को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन इवो गन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा अपने दोनों कानों से और बिल्कुल सही सुना अपने दोनों आंखों से। लेकिन ये सारे इवो गन्स आप लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को प्राइज वाले सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं 3 अनोखे टोकन्स, जो कि आप लोगों को इस धरती के ऊपर और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसी वाले इवेंट के अंदर ही अवेलेबल है। और इनको लेने के बाद आप लोग बड़े ही इजीली उन तीनों इवो गन में से कोई भी गन को चुन सकते हो अपने हिसाब से। मैं तो सोच रहा हूँ गरेना वाले अपने सर्वर के अंदर ऐसे इवेंट क्यों नहीं लाते हैं, देखने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा बहुत डायमंड लगाने में भी हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मेरा इसमें मदद करें। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल दीजिए। अगर आप लोग ये सारे काम हमारे लिए करोगे तो YouTube वाले हमारे वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो मजा है वो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, यानी सच्ची में वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो से आप लोगों को कोई भी हेल्प हो पाया, सच में अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया
तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एक लाइक कर देना। हमारे चैनल में ऐसे ही रोज वीडियो में डालता हूँ। अगर आप लोग बहुत सारे वीडियोस को भी देखना चाहते हो, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना। चलिए फिर वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। M1014 इनक्यूबेटर का रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ही मैंने बहुत बार किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन M1014 का इनक्यूबेटर रिटर्न के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को हिंट दिया था। अब लेकिन M1014 का इनक्यूबेटर बहुत जल्दी आप लोगों को गेम में रिटर्न में देखने के लिए मिलने वाला है। आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, भाई बताओ बताओ कब रिटर्न में आएगा। अरे रुको, जरा सबर करो, बताएंगे, सारे चीजें बताएंगे। आज 28 फेब है ना, अगर 28 फेब को आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है मार्च में, या फिर अगर आप लोग मार्च में इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर मार्च के एंड तक आप लोगों को M1014 का इनक्यूबेटर हमारे गेम में वापस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके मन में भी ऐसा इच्छा है कि भाई हमें तो M1014 का इनक्यूबेटर को किसी भी हालात में निकालना है, तो फिर आप लोग बड़े इजीली निकाल सकते हो। पहले जैसा गेम के अंदर टॉपअप वगैरह नहीं हो रहा था, या फिर टॉपअप करना बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता था, अब वैसा सीन नहीं रहा, क्योंकि गरना फ्री फायर ने यहाँ पे फ्री फायर मैक्स के ऊपर एक प्रमोशनल टॉपअप इवेंट लाके ये चीज को साबित कर दिया है। अब अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा डायमंड का टॉपअप आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ओबी अपडेट तक। मुझे लगता है गरना फ्री फायर इल्यूमिनेट को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है। हर अपडेट में फ्री फायर अपना नाम चेंज करता है, जैसे कि फ्री फायर रैम्पेज हो गया न्यू डॉन वाला, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके फ्री फायर अपना नेम वगैरह चेंज कर लेता है। जो नेक्स्ट अपडेट आने वाले, जिस अपडेट में गरना फ्री फायर बीटीएस के साथ कोलैब करने वाला है, उसी अपडेट में शायद गरना फ्री फायर अपना नाम चेंज करे, थोड़ा बहुत जो उनका सिक्योरिटी इश्यू थे उनको भी सॉल्व कर दे और प्ले स्टोर के अंदर ऐप स्टोर के अंदर वापस आ जाए, फिर तो चांद ही चांद ही होगी मित्रों। आप सभी लोग टॉपअप वगैरह बड़े इजीली कर सकते हो उसके बाद। चलिए फिर अभी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं टुनाइट अपडेट के बारे में, क्योंकि टाइम हमें यही बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के 12 बजे के बाद गेम के अंदर आप सभी लोगों को कौन सा न्यू इवेंट या फिर कौन सा न्यू अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के 12 बजे के बाद आप सभी लोगों को गेम के अंदर मार्च का इलीट पास देखने के लिए मिलेगा, जिसका ट्रेलर कुछ इस प्रकार का होने वाला है। और जो इलीट पास पूरा का पूरा, उसको मैंने अच्छे से छान मारा यार, चप्पा चप्पा छान मारा इस इलीट पास के अंदर, लेकिन इमोट मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया। पिछले वाले इलीट पास के अंदर इमोट था आप लोग मानते हो, तो इसलिए गरना फ्री फायर ने उसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट इवेंट नहीं लाए। लेकिन इस बार का इलीट पास के अंदर आप लोगों को किसी भी तरीके का इमोट तो देखने के लिए नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों को इजीली डिस्काउंट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आप सभी को हमेशा यही सजेस्ट करता हुआ आया हूँ कि यार आप लोग कोई भी चीज गेम के अंदर परचेज कर सकते हो, लेकिन इलीट पास को छोड़ के अगर आपके पास डायमंड्स हैं भी, अगर आप लोग टॉपअप करते हो तो भी आप लोगों को वेट करना चाहिए मंथ के एंड तक। अगर डिस्काउंट इवेंट आ गया तो उसके अंदर से बड़े इजीली डिस्काउंट में निकाल लेना इलीट पास। तो डायमंड तो आपके पास ऐसे ही पड़े थे, आप लोग ऐसे ही नॉर्मली इलीट पास को परचेस करने वाले थे, आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। मेरे पास भी डायमंड्स पड़े, मेरे पास VVIP भी है, लेकिन यार मैं कोई भी इलीट पास को बिना डिस्काउंट का परचेज ही नहीं करता हूं। जो लोग हमारे इस चैनल के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होगा। देखिए इस महीने इलीट पास के ऊपर डिस्काउंट नहीं आया तो मैं इलीट पास को परचेज ही नहीं करूंगा, सिंपल सा फंडा है यार। होप ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग बाकी बात करते हैं बाद में। मैं भी तो आप सभी से किस नकपिश अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से करते रहो, अपने सारे एनिमीज को डिसूम डिसूम नहीं गोली से मारते रहो।